पत्रकार के चासो न जनाई के कारण से ही हम पत्रकार के बोला के उ हिसाब से हम उनकरा अब क्लास पत्रकार से तो करल बा कि आंदोलन करे अपने के विरुद्ध में अपने के माफी मांगे के परिस करल बा कौन पत्रकार से लोग सब करल हम सुन लिया अपने की कहे छी जेल हो सके छे तो हो सके छे अगर गलत के गलत कहला हमरा जेल जाए के पड़ते तो कोनो बात नहीं जब हम अनशन पर बैठ सके छी जीवन के अंतिम अवस्था भी हो सके छे अगर हमरा न्याय ना मिलते तो हमरा वो जेल से कौन चीज के घबराहट है। अच्छा सुने जब अपने जब अनशन की तैयारी कर रहा था गड़ी माई नगर पालिका के मेयर भी यहाँ के दबाव दिला के कहला की हमने के अनशन में ना बैठे हमारे नगर पालिका में भी प्रभाव पड़ी कारण कहती है कि वहाँ भी बहुत ज्यादा बड़ा करप्शन मिल के तो वो मेयर के दबाव पर वहाँ के रोलिंग ना लगी ये सब गलत बात है ऐसा कोनो दबाव हमरा न होना है हम न गोड्डा नगर पालिका के उम्मीदवार छी गोड्डा नगर पालिका के जनता प्रति हमारा दायित्व है हम हारू जीतू अलग चीज है कि ना हम लड़ल रही इस समाज में बदलाव के लिए हमर वोट के संख्या 10,000 हो चाहे 10 गो हो हमर कर्तव्य बने से जे समस्या हमरा लमन हमर अगाड़ी अत हमर बल से हमर बुद्धि से हमर विवेक से उस चीज के समाधान करे के लिए हम लागल छी आ निरंतर रूप में आजीवन हम जब तक इस समाज में छी तब तक हम उस चीज में हमेशा लागल रहम। अनशन के मतलब कथी करेंगे एंडिंग करेंगे कैसे अपने के प्लानिंग अब हमर अनशन के समाप्त दो शर्त पर है पहल शर्त जे हम चाह रहल छी उ कागजात हमरा मिले के चाही इ मंच पर आ दोसर चीज है कि बोर्ड बैठ के निर्णय करे के पड़लै कि जल्द से जल्द हफ्ता दिन के भीतर हमनी से चीनी मिल में फलाना मिति में खुला सभा बहस के वातावरण हम से तैयार करबै जहां सारा पत्रकार सह नगरवासी स के निमतो जाए के पड़लै कई दिन तक चले वाला है कई दिन तक चले वाला यहां के इंसान उ तो नगर पालिका से पूछे के पड़लै अब जब तक हमर शरीर ई अनशन के ठेक सकै छै तब तक हम ठेक रहल छी स्थानीय देखा जाए प्रशासन स्थानीय जनता पुलिस प्रहरी से कैसा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ के अब सपोर्ट मिला जुला के ठीके है निराशाजनक भी न कह सके छी लेकिन ये है कि पुलिस प्रशासन के काम है शांति सुरक्षा मेयर के कानून न पढ़ा सके छै आ हमनी से उनकरा हिसाब से कानून बुझे वाला भी न छी अब रह गेले बात उ मेयर पर भर पड़े छै कि अब मेयर कोना हिसाब से चाहै छथि आ देखले त अहाँ अनशन शुरुआत के लिए अपन गौरव नगरपालिका के विरुद्ध में बाकी नगरपालिका में देखल जाए तो बहुत बड़ा करप्शन के मतलब एगो सिंडिकेट ही चल रहा है तो वहाँ के नागरिक के वहाँ के स्थानीय वासी सके कथी संदेश देवल चाहै छी अब देखू सबसे पहले तो अगर हम नगर पालिका में जे करबै आइ के दिन में अगर 10 गो लोग देख रहल है 10 गो नगर पालिका से देख रहल है तो ये जे हम कर रहल छी कोई भी भ्रष्टाचार होइ छै ट्रांसपेरेंट न होला से जब सूचना छुपायल जाइ छै जनता खाली मुद्दा मामला में ही सीमित रहै छै जनता में जब की गड़बड़ी है उ चीज न लौकाइ छै तब जाके करप्शन चरम सीमा पर बढ़ते जाइ छै तो हम जब हर चीज सार्वजनिक होय लगतै दूध के दूध पानी के पानी शीशा के लगा सब बाकी जनता के कैसे संदेश देता है दूसरा नगरपालिका के जनता के कैसे संदेश देता है इसे एक बड़ा अच्छा शुरुआत कर ली यहाँ और बाकी जो दूसरा नगरपालिका के जनता के कैसे संदेश देता है अब संदेश ये देवे के चाहे कि सबके जागरूक बने के पड़ लई जनता के भी खाली नेता के मुँह ताके के न पड़ लई केकरो न केकरो एगो आदमी अगर सही व्यक्ति सामने आ जाए तो ओकरा पछाड़ी बहुत जनता अपन अपन घेरा तोड़ के जा सके छै थोड़ा समय लाग सके छै अगर अगाड़ी बढ़े वाला आदमी पर अगर विश्वास लाग जाए तो जनता केकरो से रोकाय वाला लोग से न है काहे कि आई के दिन में जनता न पुलिस प्रशासन से खुश है न कोनो नगर पालिका से खुश है न राजनीति से खुश है न कोनो कानून से खुश है जब ये सारा चीजें जनता के भर पर चल रहा है आ जनता के देखे वाला आई कोई न है आ ये सारा प्रशासन से एक दूसरे में ही मिलल है ऐ में हम पत्रकार के भी जोड़े चाहे छी ये में हम पत्रकार के भी जोड़े चाहे छी काहे कि आजकल हम देख रहल छी पत्रकार से भी बहुत भय वाला वातावरण में पत्रकारिता करैया जैसन कोई भी पत्रकार के संघ के प्रेशर है कोई राजनीतिक दल के प्रेशर है
तो हर कौन कहूँ मानू या न मानू एगो बहुत गंभीर सिंडिकेट पैदा भे गए हमने सके समाज में। तो इस सिंडिकेट से बाहर आवे के लेल ई हमर एगो छोट शुरुआत है। कोई भी आदमी अगर गलत के खिलाफ आवाज उठावे चाहे तो ढीटे आवाज उठाओ, ओकर परिणाम की होए कि ना होए ज्यादा सोचे के जरूरी न है। अगर सच्चाई के साथ रहम, अगर अपने साहस करम तो जनता भी अपने के साथ आई। आई देश में अभी भी नियम कानून है तो इतना भी घबराए के जरूरी न है। धन्यवाद, अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम दिली कम से कम इतना।